सरदार पटेल कांग्रेस के निष्ठावान नेता थे जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित थे। वो जवाहरलाल नेहरू के करीबी साथी थे और आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। तो आज बीजेपी की तरफ से उन्हें अपनाने की कोशिश करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देख बहुत खुशी होती है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। क्योंकि बीजेपी के सेक्शन से दो चीजें स्पष्ट हो जाती है, उनका अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष नहीं है, तकरीबन सभी कांग्रेस से जुड़े थे। सरदार पटेल जैसे महापुरुष को एक ना एक दिन उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। तो ये वो ट्वीट जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया था। तो बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश में जुटी है जो कांग्रेस से जुड़े थे और जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी थे और कांग्रेस की विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे थे, अब उन्हीं को अपनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस एक्शन से दो चीजें साफ हो जाती हैं कि बीजेपी के पास अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, जो सभी थे वो कांग्रेस से जुड़े थे।